नमस्कार, मैं मनीष चंद्रा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस मीडिया। दिखाएंगे सांडों का प्रकोप। यहाँ पे लगभग इस रोड पे अगर आप यहाँ से थोड़ी दूर तक जाएंगे तो आपको 50 की संख्या में यहाँ पर सांड देखने को मिलेंगे, जो कि आए दिन एक्सीडेंट का, जैम का कारण बनते हैं। लोग इनसे डर, इनके डर से कहीं और जाके टकरा जाते हैं, गाड़ियों से टकरा जाते हैं और एक्सीडेंट का ये बहुत बड़े कारण बन गए हैं। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि जो मिर्ज़ापुर शहर, ये जो रोड है, सांड किस तरीके से यहाँ पे विराजमान है, बैठे हुए हैं, मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा है कि सांडों का जो जलसा है, जो सांडों का प्रकोप है, वो किस तरीके से जमा हुआ है रोड पर। ये लोग किस तरीके से मौजूद हैं, कितना यात्रियों को डिस्टर्ब करते हैं, राहगीर जितने भी आते जाते हैं उनको बहुत सारी समस्याएं इनकी वजह से उठानी पड़ती है। तो आइए हम बात करते हैं, जो भी रोड पर आने जाने वाले लोग हैं, बात करते हैं कि उनको इन सांडों से क्या क्या समस्याएँ उठानी पड़ती हैं। हेलो भाई साहब, रुकिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋतिक गुप्ता है। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो सांड रोड पर इनका जो प्रकोप है, ठीक है, आए दिन प्रत्येक दिन हमको ये देखने को मिलता है कि सांड यहाँ पे मौजूद रहते हैं और ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंट, इन सब के कारण बनते हैं। तो बताइए इन सांडों से आपको क्या समस्याएं होती हैं, आप हमेशा रोड पर आते जाते होंगे? देखिए समस्याएं तो बहुत हैं, कुछ बड़े लोग के लिए, कुछ छोटे लोग, जो छोटे बच्चे होते पहले तो दूर से डरते हैं इन लोग से, वापस रोड क्रॉस नहीं करते। जी जी। और कभी कभी तो अचानक मुड़ जाते हैं, इसलिए हम लोग की एक्सीडेंट, कभी कभी तो मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, किसी बुजुर्ग औरत पे गिर गए हैं, मतलब सारी समस्याएं होती हैं। बस यही सब, बहुत सारी इनको हटाना चाहिए, इनको कुछ करना चाहिए, बस रोड से थोड़ा साइड में होना चाहिए, एक जगह देनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए हमारे साथ भाई साहब जो है, उन्होंने बताया कि बहुत सारी समस्याएं हमको झेलनी पड़ती है, आए दिन एक्सीडेंट होता है और कुछ लोग इनसे डरते भी हैं, बच्चे औरतें बहुत डरते हैं इन लोगों से, इन सांडों से। तो सरकार को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए और इन सांडों की अच्छे ढंग कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी चाहिए, इनको कहीं ना कहीं पहुँचाया जाना चाहिए शहर से काफ़ी दूर। और इनके कुछ भी हो जाता है, इनको भी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी चोट लग जाती है, कभी कभी एक्सीडेंट, पैर ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, तो इनको भी इनसे बहुत सारे नुकसान है। जी जी। अगर इन सांडों से केवल व्यक्तियों का नहीं प्रॉब्लम है, बल्कि इनको खुद एक समस्या है, इनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, मतलब जो इनको खाना पीने की सामग्री इनको चाहिए होती है वो इनको नहीं मिल पाता, ये सड़े गले, पॉलीथीन, बाकी चीज़ें खा के खुद बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं। कुल मिला के ये है कि जो सांड यहाँ पे हैं मौजूद हैं, जो गाय सांड यहाँ पे मौजूद हैं रोड पर, ये केवल व्यक्तियों के लिए ही समस्या नहीं है, बल्कि ये खुद अपने लिए एक समस्या है। कैमरामैन ज्ञान के साथ, मैं मनीष चंद्रा, न्यूज़ एक्सप्रेस मीडिया।